नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं ईटी न्यूज भारत। आई नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। खबर यूपी के जालौन से। खबर जालौन से है, जहां पिछली 11 तारीख को हाईवे पर लूट को अंजाम देने वाले लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से लूट का पैसा और सामग्री बरामद किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के निर्देशन में कोतवाली जालौन पुलिस एवं एसओजी व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने हाईवे पर हुई लूट का खुलासा किया है, जिसको सनसनीखेज ट्रक लूट की घटना का 72 घंटे के अंदर सफल अनावरण कर घटना में शामिल 02 अंतरजनपदीय लुटेरों को लूटे गए ट्रक कीमत करीब 25 लाख व घटना में प्रयुक्त कार कीमत करीब 14 लाख के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिसका एसपी रवि कुमार ने खुलासा कर अभियुक्तों जेल भेजने की तैयारी की है। कहना चाहूंगा कि ये थाना जालौन क्षेत्र में सुबह 11 तारीख को सुबह में सूचना मिली थी कि एक ट्रक के साथ जो है उसके ड्राइवर ने सूचना दी कि ये ट्रक की लूट कुछ अपराधियों ने कर ली है। जब वहाँ पे सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुँचे, हम लोग भी ने मौके का मुआयना किया था और वहाँ पर ड्राइवर से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि एक विटारा ब्रेजा कार में 4 लोग आए और उन्होंने उसके चलती हुई ट्रक को रोका और उसके बाद उसके साथ लूटपाट की घटना की और ट्रक लेकर चले गए। इसी सूचना पर तत्काल उनके द्वारा जो भी तहरीर दी गई थी उसके प्रार्थना पत्र पर मुकदमा पंजीकृत कर जनपद जालौन में आगे की कार्रवाइयाँ की गई और एसओजी सर्विलांस की टीमों के अलावा भी अन्य टीमें स्पेशल टीम्स गठित की गई और घटना के अनावरण के प्रयास शुरू किए गए। कितने लोग उसी प्रयास के क्रम में आज जो है 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें और एक गाड़ी बरामद हुई है XL6 निक्सा की, जिससे ये घटना की गई थी, और जो ट्रक गया था लूट में वो ट्रक भी बरामद कर लिया गया है। 2 अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। यूं तो जालौन में पुलिस अलर्ट मोड पर है और लगातार खुलासे पे खुलासे किए जा रहे हैं। जहां जहां अपराधी से बाज नहीं आ रहे हैं, लूट पाट चोरी डकैती जैसे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो पुलिस भी उनको नहीं छोड़ रही है। पिछले 48 घंटे में अगर बात की जाए जालौन पुलिस की, तो उन्होंने 2 खुलासे कर ये साबित कर दिया कि अपराध को जालौन में नहीं रहने देंगे। को देखने के लिए जुड़ा है।